अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे इंशाल्लाह। और आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी आज के ऑनलाइन लेक्चर के अबाउट। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 15 करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका बताना है ट्रू और फॉल्स बताने हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वाला देखें, इन राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री का होता है। इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल इज़ ऑफ 60 डिग्री, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अभी ये ऊपर वाले MCQs में पढ़ा है उसके राइट एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री का। यहाँ 60 मेंशन है, फॉल्स हो गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटीनियस इज़ द साइड ऑफ ऑपोजिट टू राइट एंगल। ये भी हमने पढ़ा है कि जो हाइपोटीनियस की ऑपोजिट वाली साइड होती है वो उसका राइट एंगल की ऑपोजिट साइड हाइपोटीनियस होती है। If A, B, C are sides of right angle triangle with C as longer side, then C square is equal to A square plus B square। ये यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम मेंशन किया हुआ है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। If 3 and 4 are two sides of right angle triangle, then hypotenuse is 5। इसमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, C square is equal to A square plus B square, और 3 square plus 4 square करेंगे 25 आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। इसी तरह इसमें पैथागोरस थ्योरम लगा के इसको चेक कर लेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है जब ट्राइंगल्स की दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स दी हों और एक साइड मिसिंग हो तो हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट वाले सवाल में किया हुआ है, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी हाइपोटेन्यूज की जगह पे एक्स है, ए बेस इसकी 3 है और एल्टीट्यूड इसका है 4। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 4 16, 3 3 9, दोनों का सम करें 25 आ जाएगा। और उसके बाद बोथ साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। इसी तरह इन सब को सोल्व कर लेना है, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है आपको इस काम की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह, और आप अपना काम जो है वो बाकायदगी से करेंगे। फी अमानिल्लाह।